यार आज का कंपटीशन ना हम ही जीतेंगे। वैसे टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लेवल के फैशन डिजाइनर तो कोई नहीं है। कंपटीशन तो हमारे बीच में है। ओए देख, इस साल चिंकी चाइनीज फैशन डिजाइनर भी आई है चाइना से। एक्सक्यूज मी, क्या इसने तुझे चिंकी चाइनीज बोला? क्या कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी? उखाड़ के देखा, हम भी तो देखें। गुस्सा क्यों कर रही है? नाराज मत कर, अगर ये नाराज होगी तो हमें मोमोज कौन खिलाएगा? वैसे तू भी फैशन डिजाइनर है क्या? अरे पागल है क्या, देख तो इसे, तेरे को लग रहा है इसको फैशन की कोई नॉलेज होगी भी? इनके चाइना में तो वो लंबे लंबे गाउन पहनते हैं ना। वैसे इसको तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा हम क्या बात करें, क्या है ना, ना हिंदी आती होगी ना इंग्लिश आती होगी, आ गए मुंह ढाके यहाँ पे। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते इतने बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। तू जैसी लड़कियों की जगह ना मोमोज के स्टॉल पर ही है, इतने बड़े कॉम्पिटिशन में नहीं। और ना तुम्हारी औकात भी नहीं है हम दोनों के सामने खड़े भी होने की। ब्लडी चीपो, यहाँ पर अपने चाइना के गाउन लेके आई है क्या? तेरे को लगता है यहाँ पर वो चल जाएंगे? हे गर्ल्स, मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इससे हिंदी में क्यों बात कर रहे हो? इंग्लिश या चाइनीज में बात करो ना। क्योंकि वो तो आती नहीं होगी। अरे आप दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो? आप दोनों को पता है ये शो की जज है। जज? वैसे मैम आप क्या कर रहे हो बैक स्टेज? वो एक्चुअली मैंने सुना था इस शो में दो लड़कियां आने वाली हैं जो कि काफी टैलेंटेड हैं, काफी सारे जजेस भी उनकी काफी तारीफ कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार पर्सनली जाके उनसे मिल ही लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर आई तो कुछ और ही देखने को मिला मुझे। मैम वो हमें पता नहीं था कि आप इस कॉम्पिटिशन की जज हैं। मैम हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, इस देश का हिस्सा हूँ, और आप अपने ही देश के लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। और आपने क्या कहा था कि चाइना के लोग गाउन पहनते हैं? आप किस मुँह से अपने आप को फैशन डिजाइनर कहते हो जब आप दूसरे देश के कल्चर और उनके कपड़ों तक की इज्जत नहीं कर सकते? अरे दूसरा देश तो छोड़ो, आप तो अपने देश के लोगों की भी इज्जत नहीं करते हो। शेम ऑन यू। मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। वी आर रियली सॉरी। आप लोग इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाइड हो, आप लोग जा सकते हैं। नहीं मैम प्लीज़, एक लास्ट चांस दे दीजिए। प्लीज़ मैम, लास्ट चांस, प्लीज़ लीव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के साथ इस तरीके का मजाक ना करें, किसी भी इंसान का मजाक ना उड़ाएं, चाहे उसके कपड़े से, उसके काम से, क्योंकि सारे इंसान एक जैसे हैं, हमें भगवान जी ने एक जैसा ही बनाया। तो प्लीज़ सबकी मदद करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।